रतिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम का ड्रग कंट्रोलर के नेतृत्व में छापा मारा गया। छापे के दौरान शहर के मेडिकल स्टोर मालिकों में हड़कंप मच गया। कंट्रोलर ने पुलिस के साथ जिस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, ड्रग कंट्रोलर को सूचना मिली थी कि यहां नशा संबंधित दवाइयां बेची जाती है, मगर जांच के दौरान मेडिकल से नशे की कोई भी दवाई या टेबलेट बरामद नहीं हुई। इस दौरान ड्रग कंट्रोलर को मेडिकल में कई खामियां पाई गई, जिसको लेकर ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि मेडिकल स्टोर मालिक को नोटिस थमाया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। मुझे एक सूचना मिली थी कि अभी एसएसएस मेडिकल पे कोई नशे की गोलियां बेची जा रही है, तो उस हवेज में मैं पुलिस होते के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ चेकआउट किया, तो मैंने पाया कि नशे का कोई ऐसा आइटम नहीं है जो यहाँ नहीं बिकता कोई भी, और ना हमें मिला। पर हाँ, इतनी जो भी दवाई हमें मिली है उनको हमने नोट किया है, इन्हें बिना कोई डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी कैश में शो करे हुए बेच रहे हैं, तो ये खामियाँ है जो हमने नोट कर ली है। आगे फर्दर इनको नोटिस देंगे, आगामी जो भी तक आके सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं हम उन पर करेंगे। फिलहाल यहाँ कोई नशा नहीं मिला इस तरह का जो साबित हो कि भाई यहाँ नशा बिक रहा है। इतना है कि यहाँ पे विदाउट बिल प्रिस्क्रिप्शन विदाउट बिल के खरीद बिक्री हो रही है, जिसमें ड्रग एक्ट के तहत वायलेशन बनी है, उन पर एक्शन लिया जाए। कंचन टीवी के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।